यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुछ ही समय में केस स्टडीज की अद्भुत सफर शुरू होने वाली है। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपको एक अद्भुत यात्रा की शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारत एक विविधता में एकता वाली इसी देश के अंदर 29 राज्य हैं। इसी 29 राज्य में से एक ऐसा राज्य जिसे इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के पर्यटकों के लिए ये एक छिपा हुआ रत्न है। पूर्वी तट में उपस्थित ये राज्य ओडिशा है। वेलकम टू आवर चैनल केस स्टडीज। हम लोग इसी चैनल पे कुछ अद्भुत केस स्टडीज पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ओडिशा के ऊपर अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं, ओडिशा पुराने ट्राइबल नाम ओड्रा देश से लिया गया है, जबकि पहले इस राज्य को कलिंग और उत्कल के नाम से जाना जाता था। ये ओडिया बोलने वाली राज्य 8वीं लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया और 11वीं लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन 5 करोड़ आबादी वाली राज्य है। इसमें 30 डिस्ट्रिक्ट, गंजाम लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन, मयूरभंज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ ओडिशा अपना बाउंड्री शेयर करता है। इसी राज्य के राज्य पशु सांभर डियर, राज्य पक्षी इंडियन रोलर, राज्य फूल अशोका ट्री, राज्य पेड़ इंडियन फिग ट्री है। 1 अप्रैल 1936 में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वंदे उत्कल जननी ओडिशा के राज्य गान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट किचन भी ओडिशा में ही है। तो बात यह है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर अत्यधिक पूजनीय है और इसमें एक रसोई घर है जहां पर 400 से अधिक रसोईकार प्रतिदिन 1 लाख से अधिक भक्तों के लिए भोजन बनाते हैं। धौलगिरी या शांति स्तूप एक ऐसा स्थान है जहां महान राजा अशोका ने नींव रखी थी, जब उन्होंने रक्त स्नान के कारण दया नदी को लाल होते हुए और शांति के प्रचारक बनने के बाद कलिंग युद्ध के सबसे अंधेरे पक्ष को देखा था। आखिर ये युद्ध हुआ ही क्यों, इसके लिए हुआ, क्या ये होना जरूरी था? इस सारे सवालों के उत्तर आपको हमारे आने वाले केस स्टडीज ऑफ कलिंगा वार में मिल जाएगी। क्या आप जानते हैं, श्री नवीन पटनायक सबसे लंबे समय से चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वो ओडिशा के 14वीं चीफ मिनिस्टर हैं। 2000 से लेके अभी तक ओडिशा में उनका शासनकाल चल रहा है। अगर बात करें विधानसभा में 147 सीट, लोकसभा में 21 सीट और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। मैं बता दूं, ओडिशा का जो पर कैपिटा इनकम है 1,16,614 है, जो कि बहुत ही कम है अगर कंपेयर करें अदर स्टेट के साथ। फिर भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ओडिशा का 32वीं रैंक है। पर वेट अ मिनट, क्या आप जानते हैं, ओडिशा एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ 16th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी 6 लाख करोड़ के आसपास है और $75 बिलियन का ट्रेड होता है। देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमी होने का बहुत सारे फैक्टर्स और रीजंस हैं, जैसे कि एक फैक्टर हो गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी के लिए हम आते हैं भुवनेश्वर। क्या आप जानते हैं, भुवनेश्वर एक कैपिटल सिटी के साथ साथ इसे टेंपल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि 600 से ज़्यादा मंदिर इसी सिटी के अंदर मौजूद है, जो कि पूरे विश्व में हाईएस्ट है। और भारत का नंबर 1 स्मार्टेस्ट सिटी का किताब भुवनेश्वर के पास ही है। विभिन्न राज्य में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य है। देश का विकास ना होना करप्शन एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे संसद में केंद्रीय अधिनियम पारित होने के बाद ओडिशा लोकयुक्ता बिल एक्ट बनाने वाला पहला राज्य है।
क्या आप जानते हैं 25% लोहा, 10% स्टील और एल्यूमिनियम खुद ओडिशा अकेला प्रोड्यूस करता है। भाषाई बुनियादी में गठित होने वाला ओडिशा भारत का पहला राज्य है। ओडिशा में दुनिया के सबसे बड़े ओपन थिएटर धनु यात्रा की मेजबानी होती है। ओडिशी नृत्य ओडिया संस्कृति का गौरव, भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य है। ओडिशा में 62 से अधिक विशिष्ट आदिवासी समूह रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संस्कृति और परंपराएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला की उत्पत्ति ओडिशा में ही हुई है। संबलपुरी साड़ी हाथ करघा पर बुने हुए कपड़े से बनाई जाती है और पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय में से एक है। यह तब लोकप्रिय हुआ जब दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे पहनना शुरू किया। ओडिशा फेल है दिखाने में कि उसमें कितना रिचनेस भरा पड़ा है, क्योंकि हिटलर कब्जा करना चाहता था ओडिशा को। वो जान गया था ओडिशा के पास इतना मिनरल है, अगर वो ओडिशा को कब्जा कर लेता है तो वो कोई भी जंग आराम से जीत सकता था, क्योंकि मिनरल से ही तो हथियार बनता है। तो सोचिए ऐसा होता तो क्या होता। ओडिशा फेल है समझाने में कि वो दुनिया को क्या दिया है और क्या दे सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ओडिशा क्या दिया है और क्या दे सकता है। ओडिशा फेल है बताने में कि ये अंडररेटेड स्टेट के पास इतना पोटेंशियल है। अगर ये एक अलग कंट्री होता तो वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट जीडीपी की ग्रोथ रेट होती इस देश की। सिर्फ ओडिया को ही नहीं, पूरे भारत को ओडिशा पर गर्व होना चाहिए। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, जल्द ही आने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के साथ।